मैं टोटली आज डिमोटिवेट हो गई हूँ, मैं 365 डेज स्किप कर देते हैं। चाहे कुछ भी बनाओ, चाहे व्यूज कम आए, बहन ने कर लिया है मेरी के शूट, हम शूट करेंगे। रोने वाली बात नहीं कुछ। Hey you all, welcome back to my video. Hope you all are doing well. So guys, कैसे स्टार्ट करूँ? आज की वीडियो में मुझे आप लोगों से एकदम अपने दिल की बातें करनी है। डेली व्लॉग्स में क्या हो रहा है अभी मेरे साथ, ये व्लॉग ना अभी 9:10 हो रहे हैं तो शूट कर रही हूँ मैं। बाकी डेली इतने टाइम तक मेरा व्लॉग बन जाता है और इतने टाइम तक मैं एकदम फ्री रहती हूँ। बाकी आज मैं इस व्लॉग को इसलिए लेट शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मैंने अपनी वीडियोस मतलब काम वगैरह किया थोड़ा सा, और बस मैं यही सोच रही हूँ कि क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या वीडियो बनाऊँ। पहली चीज़ तो ये कि मेरे व्लॉग्स पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मतलब जब से मैंने 365 डेज स्टार्ट किया है तब से सेम व्यूज़ हैं, मतलब 1500-2000 बस। मतलब बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल कुछ व्लॉग्स होते हैं जो 3000-4000-5000-6000-7000 तक चले जाते हैं। बाकी मेरे जो डेली व्यूज़ है वो नहीं आ रहे हैं, मतलब वो देखकर ना मैं थोड़ा सा अपसेट थी। और आज पूरे दिन से ना मतलब जब मैं सुबह उठी तो साक्षी मुझसे, मतलब साक्षी और सबका यही रहता है डेली, आज क्या व्लॉग करना है। तो साक्षी ने मुझसे पूछा कि क्या व्लॉग करना है, तो मैंने बोला देखते हैं अभी। तो गाइस बस मैं सबसे सोच ही रही हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ। और मैं अपनी यूट्यूब की वजह से अपना इंस्टाग्राम बिल्कुल भूल गई हूँ। मतलब मेरे को इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं कुछ कंटेंट बनाने की वहाँ पे सोचती भी हूँ ना तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, और फिर मुझे यूट्यूब के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो मैं सोचती हूँ कि यार अगर मैं ये क्रिएट करूँगी तो इसमें 3-4 घंटे जाएंगे तो मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, और अगर मैं व्लॉग बनाऊँगी तो मैं अपना यूट्यूब या इंस्टा नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत टाइम से मैं अपना इंस्टाग्राम पर ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। मतलब वीडियोज़ भी मैं बस ऐसे हैं, 3-3-4-4 दिन के गैप में डल रही है, और जो मेरे ड्राफ्ट में वीडियोस हैं वो मैं पोस्ट कर दे रही हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि मैं प्रॉपर कंटेंट जैसे मैं पहले करती थी कि इंस्टाग्राम के लिए प्रॉपर रेडी होकर कंटेंट क्रिएट करती थी फिर उसके बाद वो पोस्ट करती थी, ऐसे तो हो ही नहीं रहा। जो भी पूरा टोटली फोकस मेरा व्लॉग्स पर है, और व्लॉग्स पे फोकस भी है तो फिर कि मैं इतनी ज़्यादा पूरे दिन की मेहनत लगाकर व्लॉग बना रही हूँ बट मेरे व्लॉग पे कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कुछ भी। और आज तो मैं सुबह से बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि मतलब क्या ही हो रहा है। अभी जस्ट अभी 5-10 मिनट पहले ही मम्मी और साक्षी मुझसे पूछ, मतलब साक्षी मुझे बोल रही थी कि बता क्या करना है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अपना इंस्टाग्राम का थोड़ा सा काम, मेरी प्रमोशन वगैरह थी वो मैं करके हटी हूँ, तो साक्षी मुझे बोल रही थी अब बता फटाफट क्या व्लॉग का करना है, अब तो इतना ज़्यादा टाइम भी निकल गया, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते तो बता। तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि यार व्लॉग की वजह से साक्षी को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो मैंने बोला अभी मैं देखती हूँ। तो मम्मी और साक्षी जस्ट अभी फ्रूट्स लेने गए हैं बाहर, तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया। मैंने ये प्लान कुछ भी प्लान नहीं किया था, तो मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर दी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब चल क्या रहा है। वो भी मुझे बोल के गई कि तू सोच के रख, मैं आती हूँ फिर उसके बाद शूट करेंगे व्लॉग। बट यार क्या शूट करना, डेली कॉन्टेंट भाई बनाना, व्लॉग्स बनाना बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं टोटली आज डिमोटिवेट हो गई हूँ। मैंने मतलब मेरा ऐसा मन अंदर से हो रहा है कि यार व्लॉग्स पे व्यूज़ ही नहीं जा रहे हैं, और ना मेरा मन नहीं। आज सुबह तो मैं ऐसे प्लान कर रही थी कि मैं 365 डेज स्किप कर देती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है क्योंकि डेली सोचना फिर बनाना एडिटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई थी कि यार, मैं मम्मी साक्षी बात कर रहे थे तो मैं बोल रही थी कि मैं 365 डेज अगर स्किप कर दूंगी ये वो, बाकी अभी वैसे 4 ही महीने रहते हैं हमारे 365 डेज के, तो मैंने बोला अगर मैं स्किप कर देती हूँ फिर मेरा मन भी नहीं है कि मैं स्किप करूँ, क्योंकि अगर मैंने 8 महीने मैंने कंटिन्यू व्लॉगिंग करी है तो अभी मेरा बीच से छोड़ने का मन भी नहीं है कि मैं छोड़ूँ। बट ना यार कुछ काम नहीं हो पा रहा है, मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। अभी कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि आपके बहुत सेम व्लॉग्स होते हैं, आप सेम चीज़ें करती हो। कुछ कमेंट्स रीड किए हैं वो, कुछ नया करो कुछ नया करो। तो कुछ नया करने के लिए, बाहर जाने के लिए, सब चीज़ करने के लिए ना कुछ भी चीज़ ऐवें ही नहीं होती है, है ना, कि हाँ बोला और हो गया। सब चीज़ करने के लिए थोड़ा सा टाइम, थोड़े से थोड़ा खर्चा पानी सब कुछ देखना पड़ता है। तो तब तो जाकर के मेरा पैर थोड़ा रुक जाता है कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने भी एक चीज़ पे फोकस करा हुआ है, वो चीज़ हो रही है, और इसलिए मेरा भी मैं खर्चा अपना जो हाथ है वो रोक कर चलती हूँ कि मैं ज़्यादा कम ही खर्चा करूँ और फिर मेरा व्लॉग भी बन जाए। बाकी इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, इसलिए मैं कोई ट्रिप प्लान नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ के खर्चा मेरा ना हो ज़्यादा, क्योंकि गाइस अभी एक चीज़ हो रही है, बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, और जब भी वो चीज़ होगी मतलब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो फिर आप लोग भी बोलोगे कि अनु ने कुछ किया है तभी ऐसे व्लॉग्स आ रहे थे। अगर मैं
ऐसे व्लॉग्स में ज़्यादा खर्चा करूँगी ना तो फिर वहाँ से ध्यान हटता है और फिर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है व्लॉग्स के लिए। अगर एक दिन भी मैं बाहर निकलती हूँ ना तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो इसलिए ही मैं अभी ज़्यादा ट्रिप वगैरह प्लान नहीं कर रही, बिकॉज अगर ट्रिप प्लान करूँगी ना ट्रिप पर भी जाने के लिए बढ़िया पैसे चाहिए और वहाँ पर पैसा खर्च होगा तो फिर जो चीज़ हो रही है उस पर पैसा मैं नहीं लगा पाऊंगी। इसलिए मैं रुकी हुई हूँ, इसलिए मैं ट्रिप्स प्लान नहीं कर रही। जो भी डेली के व्लॉग्स मुझसे बनते हैं मैं वही शूट कर लेती हूँ, वही आप लोग को दिखा देती हूँ। बाकी अगर जैसे ही मेरा वो काम हो जाएगा ना और आप लोग को पता चलेगा उसके बाद थोड़ा मैं खर्चा भी करूंगी ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बस इसीलिए मैं थोड़ा सा रुकी हुई हूँ। बहुत बड़ी चीज़ हो रही है गाइस, बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है। नेक्स्ट मंथ हाँ, इस मंथ के एंड में मे बी या फिर नेक्स्ट मंथ आप लोग को पता चल जाए। अभी बस यही है कि मैं आज बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हूँ और मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि 365 डेज स्किप कर देते हैं, और इसीलिए पहले मैं सबकी राय जानना चाहूँगी कि कौन कौन क्या राय देगा। मुझे नहीं पता कल मैं व्लॉग डालूंगी कि नहीं डालूंगी इस व्लॉग के बाद, मेरे मूड के ऊपर है। बाकी अभी ना मेरे को सबके रिएक्शंस लेने हैं कि अगर मैंने स्किप कर भी दिया तो सबके क्या रिएक्शन होंगे। सबसे पहले तो साक्षी और मम्मी मार्केट गई हैं, वो लोग आते हैं, उन लोग को मैं बताऊँगी और देखते हैं वो कैसा रिएक्शन देते हैं। बाकी अभी मैं फ़ोन मिलाती हूँ सबसे पहले अमन को और रिएक्शन सुनते हैं। हेलो यार, मेरा ना व्लॉग नहीं बना अभी तक। हाँ सच में नहीं बना हाँ, और मेरा ना यार दिमाग खराब हो रहा है। मैं ना ये सोच रही हूँ यार, मैं ना इंस्टाग्राम पे पता है कैसे चल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी मैं बिल्कुल नहीं ध्यान दे पा रही, तो मैं ना ये सोच रही हूँ कि यार, और पता है व्यूज भी अगर 4-4, 5-5 हज़ार भी व्यूज आए ना तो भी मैं कर लूँ। अब मेरा ना बिल्कुल यार व्लॉग बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और मेरा मन कर रहा है कि मैं स्किप कर दूँ। अभी सच में मजाक सट के बोल रहे हो यार, सच में नहीं बना अभी तक व्लॉग। पागल हो गई मैं, बहुत कर लिए लोग, अब नहीं छोड़ता। अब दिमाग खराब ना आधा सो रहा है, अब कहीं जा भी नहीं सकती, बाहर चल बाहर जाने के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ेगा अब। और अब बताओ क्या क्या करूं घर में। करेंगे क्या लेकिन कर लेंगे। अब यार मेरा मन नहीं है यार अब व्लॉग वगैरह करने का, बस लास्ट व्लॉग है। मुझे नहीं पता कल व्लॉग आएगा कि नहीं आएगा, तो बस मैंने वो क्लिप तो शूट करी है, बाकी मैं नहीं, मतलब मेरा मन सब हो नहीं रहा यार करने का, क्योंकि यार नहीं बना पा रही, इंस्टाग्राम पे कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रही मैं। यार मजाक से हट के बोल रही हूँ, मेरा ना सुबह से बहुत दिमाग खराब हो रहा है। मजाक से हट के फाइनल डिसीजन ये है कि लास्ट व्लॉग शूट हो रहा है, तो बता दो क्या कुछ बोलना चाहोगे मेरे लास्ट व्लॉग में। तुम लास्ट डाल रहे हो क्या? हाँ झूठी, सच में मैंने यही बोला है व्लॉग में, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने यही बोला है व्लॉग में कि मेरी लास्ट वीडियो शूट हो रही है, इसके बाद सच में मुझे नहीं पता मैं व्लॉग बनाऊंगी कि नहीं, क्योंकि यार क्या ही कैसे ही बनाऊं, कितने व्यूज आ रहे हैं क्या कुछ, और फिर सब लोग कमेंट में करते हैं कि डेली सेम चीज़ें करते हो, कुछ नया ट्राई करो, और अभी पता है ना किस चीज़ पे मैंने फोकस किया हुआ है, तो मैंने वही सब व्लॉग में बताया अपने। छोड़ दूंगी, चलो ठीक है। वो भी मैंने बोला मेरा व्लॉग नहीं बना तो बना, तो वो बोल रहा है कि मैं आऊँ, अगर वो अमन आ भी जाते तो हम क्या करेंगे क्या, तो वो बोलता है कर लेंगे कुछ भी। तो मतलब सबको ना मेरे व्लॉग के लिए ऐसा रहता है कि हाँ बस बन जाए कुछ, किसी ना किसी तरीके से बन जाए। सो अभी हम लेते हैं सिद्धांत का रिएक्शन। हेलो कहाँ है? ट्रेन में। अच्छा, अरे मैं ना ये बोल रही हूँ, मैं 365 डेज छोड़ रही हूँ। अबे नहीं हो रहा यार सिद्धांत, डेली नहीं बन पाते यार व्लॉग। कोई नहीं 365 तक देखते रहो, है जैसे चल रहा है। अब मजाक सट के बोल रही हूँ, मैं सच में फोन इसलिए करा है। अरे मत करो यार,
अभी पता व्यूज भी नहीं आ रहे और तो क्या मतलब हो गया भाई, एकदम ही थोड़ी ना आ जाएंगे। और अभी तक व्लॉग भी नहीं बना पता है। अभी मैं यही सोच रही हूँ कि क्या ही बनाऊँ। पता है लोग भी अब कमेंट में ऐसे मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे बोलने लगे कि सेम चीजें हो रही है आप। अरे तो उससे उनसे चीजों से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, तो हिंदी छोड़ के रहो, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। सीजन व्लॉग नहीं बना पूरी, बहुत गंदी वाली टेंशन हो रही है। और पता है इंस्टाग्राम पे ना कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ व्लॉग्स की वजह से। मैं करूँ क्या, छोड़ दूंगी तो तुझे कैसा लगेगा? मैं तो बात बात नहीं करूंगा। अच्छा मतलब मैं आगे नहीं कर रही, अब मेरा कंटिन्यू मैं नहीं कर रही, आज ही लास्ट व्लॉग ही डाल रही हूँ बस। और उसमें मैं सबके रिएक्शन ले रही हूँ कि मैंने छोड़ दिया, बीच से स्किप कर रही हूँ। चल ठीक है। नहीं यार अभी नहीं पता, ये गाइस के ऊपर डिपेंड करता है, गाइस क्या कहेंगे। अबे गाइस देखेंगे तेरी बात, सुनेंगे गाइस। ओ सॉरी गाइस। चल ठीक है आ जा। ओके दीदी आके मिलो। ओके ओके। मुझे सच में नहीं समझ आ रहा, मेरे को सच में खुद को ही नहीं समझ आ रहा। अभी मैंने कॉल मिला के भी क्या क्या बातें करी मुझे खुद को नहीं पता, बट ना मैं यार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि यार क्या ही करूँ। जी आपका सजेशन लेते जी आओ हमारे ब्लॉग में। ये लास्ट ब्लॉग बन रहा है? अरे यार नहीं, लास्ट कुछ भी लास्ट व्लॉग नहीं। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा ना, गाइस को बोलो कि व्लॉग देखा करें और उनको क्या चाहिए यार। आप लोग बताओ, आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे ना कि ये देखना है, इस पे व्यूज भर के आएंगे, ये चीज हमें देखनी है, जाननी है। ये तो है, आप चैलेंज कर रहे हो, उस पे भी रिव्यू अच्छा नहीं आ रहा, रिव्यू जो भी है व्यूज अच्छे नहीं आ रहे। और आप वो भी जैसे नॉर्मल व्लॉग करते हैं उस पे भी अच्छे नहीं आ रहे, तो किस बात पर? हाँ तो क्या देखना क्या है, मतलब मैं करूँ क्या? ये सीरियस वाले कॉल लगाए थे मैंने मनोर सेजान को और उनको पूछना था। देखा आपने कि सब लोगों को ये है कि मैं व्लॉग्स ना छोड़ू, कंटिन्यू करूँ। बट गाइस कंटिन्यू भी मन तब करेगा ना करने का कि हाँ व्यूज आ रहे हैं, और तो मेरा मन भी कर रहा है। अगर मेरा इंस्टाग्राम का काम भी छूट रहा है ना, इंस्टाग्राम पे मैं नहीं भी ध्यान दे पा रही हूँ, तो भी छोड़ो दिल, चाहे कुछ भी बनाओ, चाहे व्यूज कम आए, चाहे तुम कुछ भी बनाओ, पर तुम बनाओ। अगर व्यूज आएंगे ना अपन में संतुष्टि रहेगी कि यार मेरे यूट्यूब पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये वाला सीन रहेगा। नहीं हो पाया। अभी मम्मी और साक्षी को मुझे पता नहीं कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा, मैं इस वीडियो को लेकर नहीं बैठी रहूंगी। और मुझे नहीं पता कि कल वीडियो आएगी या नहीं आएगी। मैं वेट करूंगी इस व्लॉग पे व्यूज आने का, जो भी रहेगा कमेंट्स आने का अच्छे अच्छे, और जो भी रहेगा ना आपका, अगर पॉजिटिव रिस्पांस मुझे अच्छा रिस्पांस दिखा कमेंट सेक्शन में तो ही मैं व्लॉग डालूंगी, अदरवाइज देखते हैं। बाकी सच्ची बोलूँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं स्किप करूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर व्लॉग कल नहीं आया। बाकी किसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ, होप करती हूँ वीडियो में आपको मजा आएगा। अगर वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बताना वीडियो आपको कैसी लगी। क्लियर बाय। अच्छा कल मिलती हूँ नहीं मिलती पता नहीं। बिल्कुल भी मतलब कितना टाइम हो रहा है, मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ, 9:30 हो रहे हैं। और मैं सोच यार मेरे को टेंशन हो रही, मैंने क्या व्लॉग कर रही होगी यार, मम्मी क्या करें यार, क्या सरदर्दी ले ली। बट बहन ने कर लिया है, मेरी मिन मेरे कर लिया। गाइस सच में बहुत ज्यादा टेंशन रहती है इसके व्लॉग के लिए, और कब से सोच रहे हैं यार क्या करें यार क्या करें। मैं ना मम्मी जाती चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे कुछ करना पड़े, चाहे मेरे को कुछ भी बनना पड़े, व्लॉग बनाना है पर व्लॉग करना है। देख लो इतनी ज्यादा सबको मतलब टेंशन रहती है। ठीक है मैंने ना अभी एंड कर दिया था, मैं एंड ही कर रही थी और ये अभी आई, और सच में यही बोल के गई थी कि मतलब सोच के रखियो तू, मैं आके हम शूट करेंगे। भाई यार दीदी किसी को रोने वाली बात नहीं, कुछ समझ नहीं आता यार, घर में कितना बंदा क्या ही कर ले। पर ये मैंने इसे ऐसे बनाया है कि पता नहीं कल मतलब ये लास्ट व्लॉग है 365 days का, नेक्स्ट नहीं पता अगर मैं डालूंगी कि नहीं। अभी मैंने सेजान और अमन का भी कॉल करके रिएक्शन लिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा व्लॉग का बनाऊंगी कि नहीं, और अगर मैं स्किप करती हूँ तो तुम लोग को कैसा लगेगा। नहीं नहीं स्किप करने ही नहीं दूंगी, चाहे कुछ हो जाए स्किप तो होने नहीं होने, क्योंकि यार मेरे बर्थडे पे पार्टी आ गई ना। अभी जैसे आई और आके यहाँ पे बैठ गई, इसको भी पता है कि नहीं बनाता व्लॉग, मतलब नहीं मैं हम लोग सुबह से ऐसी टेंशन में बैठे कि क्या व्लॉग करूँ। बाकी जो भी बना है जैसा भी बना है
और होप करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पॉजिटिव रिस्पांस अगर आप लोग चाहते हो मैं कंटिन्यू रहूं तो पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिलेगा तो मैं कंटिन्यू रहूंगी। बाकी पता नहीं कल व्लॉग आएगा कि नहीं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़।